दैट इज़ द यूरिकोटेलिज्म। आज हम यूरिकोटेलिज्म के बारे में डिस्कस करेंगे। इसी के पहले हमने अमोनोटेलिज्म, उसके बाद में यूरियोटेलिज्म, और आज हम यूरिकोटेलिज्म के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। श्रेंड, यूरिकोटेलिज्म यानी क्या? एक्सक्रिएशन ऑफ यूरिक एसिड एज वेस्ट। वेस्ट के फॉर्म में हम यूरिक एसिड को एक्सक्रिएट कर रहे हैं, इसे कहते हैं यूरिकोटेलिज्म। ठीक है, उसके बाद स्टूडेंट, यूरिकोटेलिज्म जो प्रोसेस है वो एक्सपेंसिव प्रोसेस है। इसे एक्सपेंसिव क्यों कहा? एक्सपेंसिव क्यों कहा, इसी के पीछे क्या रीज़न है? स्टूडेंट, एक्सपेंसिव इसलिए कहा इस प्रोसेस को, ये प्रोसेस कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, और उसी के साथ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस रहने के साथ यही प्रोसेस को रिक्वायरमेंट है एटीपी की, यानी कि एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस है, इसलिए हम इसे कॉम्प्लेक्स और एक्सपेंसिव प्रोसेस कहते हैं। स्टूडेंट, एटीपी रिक्वायरमेंट है। उसके बाद जब यूरिकोटेलिज्म के बारे में हम डिस्कस करते हैं, तो यूरिक एसिड जो है वो यूरिक एसिड लेस टॉक्सिक है एज कंपेयर टू अदर टू वन, जैसा कि अमोनिया जिसे हमने अमोनोटेलिज्म के बारे में डिस्कस किया था, यूरिया जिसे हमने यूरियोटेलिज्म के बारे में डिस्कस किया था। तो अदर दोनों एक्सक्रिएटरी कंपाउंड के कंपैरिजन में यूरिक एसिड ज़्यादातर लेस टॉक्सिक है, यानी कि इट रिक्वायर नियर अबाउट 10 ml वाटर। कितना वाटर लगेगा वहाँ पर? 10 ml वाटर टू एलिमिनेट 1 gram ऑफ यूरिक एसिड। 1 gram यूरिक एसिड को अगर यहाँ पर एक्सक्रिएट करना है तो 10 ml वाटर की वहाँ पर रिक्वायरमेंट होगी। स्टूडेंट, हमें पता है अमोनिया एक्सक्रिएशन प्रोसेस के अंदर हम बताते थे वहाँ पर 300 टू 500 ml वाटर की रिक्वायरमेंट थी, उसके बाद 50 ml वाटर की रिक्वायरमेंट जो थी वो यूरियोटेलिज्म में, यानी कि यूरिया को एक्सक्रिएट करने के लिए, और यहाँ पर 10 ml है जो यूरिक एसिड को एक्सक्रिएट करने के लिए इम्पॉर्टेंट है। चलो उसके बाद थोड़ा आगे बढ़ते हैं। पर यूरिकोटेलिज्म के अंदर हमें पता है यूरिक एसिड का डिपोजिशन होता है स्टूडेंट, और जब यूरिक एसिड का डिपोजिशन हो जाएगा तो यूरिक एसिड डिपोजिट होने के साथ वहाँ पर क्रिस्टल फॉर्म करता है, और यही क्रिस्टल फॉर्म जो होते हैं वो ह्यूमन बॉडी के अंदर कुछ डिसीज क्रिएट कर सकते हैं। उससे पहले हमें यूरिक एसिड के बारे में और एग्जाम्पल के बारे में डिस्कस करना पड़ेगा। यहाँ पर हम कुछ एग्जाम्पल के बारे में डिस्कस करते हैं। फ्रेंड, जो सबसे पहला एग्जाम्पल हम यहाँ पर लेते हैं इंसेक्ट्स है, उसके बाद में अदर एग्जाम्पल हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं, जैसा कि स्नेल है, ठीक है, उसे हम लैंड स्नेल्स भी कहते हैं, इसी तरह से रेप्टाइल्स है और बर्ड्स है। दीज आर द यूरिकोटेलिक ऑर्गेनिज्म, इसे हम यूरिकोटेलिक ऑर्गेनिज्म कहते हैं। यही ऑर्गेनिज्म यूरिकोटेलिज्म प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं। उसके बाद स्टूडेंट, हमें देखना पड़ेगा एक्चुअली यूरिक एसिड का जो फॉर्मेशन है वो किस तरह से चलता है। जब यूरिक एसिड का फॉर्मेशन के बारे में हम डिस्कस करते हैं तो यूरिक एसिड जो फॉर्म होता है वो होता है फ्रॉम द अमोनिया, अमोनिया की हेल्प से, और अमोनिया की प्रिपरेशन से यूरिक एसिड वहाँ पर फॉर्म होता है। इसी यूरिक एसिड की सिंथेसिस जो चलती है वो इन लीवर भी चलती है ह्यूमन बॉडी के अंदर, और सम ऑफ किडनी के अंदर भी वहाँ पर यूरिक एसिड फॉर्म हो सकता है, ठीक है, इसी तरह से। उसके बाद स्टूडेंट, और एक इम्पॉर्टेंट बात है यूरिक एसिड के बारे में, जैसा कि यूरिक एसिड अगर डिपोजिट होता है तो यूरिक एसिड के डिपोजिशन के अंदर यही डिपोजिशन चलता है ह्यूमन बॉडी के अंदर। तो ह्यूमन बॉडी के अंदर जब डिपोजिशन हो जाएगा तो ह्यूमन बॉडी के अंदर कुछ यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स वहाँ पर डिपोजिट होते हैं, और यही क्रिस्टल्स जॉइंट्स के अंदर डिपोजिट होकर वहाँ पर गाउट नाम का डिसीज क्रिएट कर सकते हैं। गाउट यानी कि जॉइंट पेन हम उसे कहते हैं, और गाउट इट इज़ अ क्रिस्टल्स डिसीज विच फॉर्म्स बाय द यूरिक एसिड के हेल्प से वो डिसीज फॉर्म हो सकते हैं। चलो थोड़ा आगे बढ़ते स्टूडेंट, अब यहाँ पर और हम फॉर्मेशन के बारे में थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो हमें पता चलता है फॉर्मेशन जो चलता है वही फॉर्मेशन जनरली प्यूरिन बेसिस के साथ चलता है,
यानी कि प्यूरिन बेस को यहाँ पर क्या किया जाता है, डिसोसिएट किया जाता है और उसी के साथ यूरिक एसिड फॉर्म होता है। जैसा कि प्यूरिन बेसिस में एडेनाइन है, एडेनाइन कन्वर्ट्स इनटू ज़ैंथाइन, किसके अंदर कन्वर्ट होता है, ज़ैंथाइन, ज़ैंथाइन के अंदर कन्वर्ट होता है। और जब ज़ैंथाइन के अंदर कन्वर्ट होता है तो वहाँ पर रिस्पॉन्सिबल है गोनाइन बी, गोनाइन बी वहाँ पर ज़ैंथाइन के अंदर कन्वर्जन को हेल्प करता है। और उसके बाद फाइनली जो फॉर्म होता है जिसे हम कहते हैं यूरिक एसिड, क्या कहते हैं, यूरिक एसिड, ठीक है। इसी तरह से फॉर्मेशन होता है यूरिक एसिड का बाय द डिसोसिएट ऑफ प्यूरिन बेस, यानी कि नाइट्रोजन बेस हम जिसे कहते हैं इस तरह से। और यही एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस है, यहाँ पर एटीपी रिक्वायरमेंट है, तो इसे कहते हैं हम यूरिकोटेलिज्म। तो ये प्रोसेस हो चुके स्टूडेंट यूरिकोटेलिज्म के बारे में। स्टूडेंट हमें अमीनोटेलिज्म के बारे में डिस्कस करना है। अमीनोटेलिज्म यानी क्या, अमीनोटेलिज्म दैट इज द एक्सक्रिएशन ऑफ अमाइनो एसिड, एक्सक्रिएशन ऑफ अमाइनो एसिड, अमाइनो एसिड को एक्सक्रिएट करना है। और जब अमाइनो एसिड एक्सक्रिएट होता है तो उसे हम अमीनोटेलिज्म कहते हैं। इसी के बारे में हमें कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर देखना है। जैसा कि फर्स्ट एग्जांपल है जिसे हम कहते हैं मोलुस्क, उसके बाद में इकाइनोडर्मेटा, इकाइनोडर्म्स और इकाइनोडर्मेटा, इसी तरह से कुछ एग्जांपल्स वहाँ पर है स्टूडेंट। तो ये हो गया अमीनोटेलिज्म के बारे में। कुछ अदर भी वहाँ पर स्टूडेंट नाइट्रोजनियस वेस्ट है, अदर एन टू वेस्ट, जैसा कि ह्यूपिरिक एसिड है, उसके बाद में क्रिएटिन है, उसके बाद में क्रिएटिनिन भी है, इसी तरह से कुछ वहाँ पर एक्सक्रिएटरी मटेरियल्स है और जो अदर नाइट्रोजनियस वेस्ट है। और उसके बाद में लास्ट हम एक्सप्लेन करेंगे जिसे हम कहते हैं एलेंटॉइन। तो ये कुछ हो गया एक्सक्रिएटरी मटेरियल के बारे में। तो चलो